मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एमएस वर्ड के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 25 क्वेश्चन देंगे। इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और कोशिश हम ये भी करेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली एमएस वर्ड में आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके भी दिखा दें कि कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है। और जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कि बिहार बेल्ट्रॉन एस्टोनोग्राफर के एग्जाम होने वाला है, उस पर आधारित रहेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो जी हाँ, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का कहते हैं हम लोग, एमएस वर्ड को बोला जाता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा, एक का आंसर होगा ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर दो, सबस्क्रिप्ट का एक एग्जाम्पल है, क्या चीज़ इसमें है। तो इसमें जो एग्जाम्पल में होगा, सबस्क्रिप्ट का किसी भी जगह पे एग्जाम्पल होगा, तो याद रखिएगा कि जो भी चीज़ बेस में लिखा हुआ रहेगा वो सबस्क्रिप्ट होगा, जो पावर में लिखा हुआ रहेगा वो सुपरस्क्रिप्ट होगा। जैसे ये जो है ये सुपरस्क्रिप्ट है, और यहाँ पे बी नंबर में जो देख रहे हैं ये सबस्क्रिप्ट है। तो इस तरह से हम लोग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को पहचान करते हैं। अगर कई बार जैसे देखते होंगे लिखा हुआ रहता है H2O, तो H नॉर्मल में रहता है, 2 जो क्या रहता है बेस में रहता है, यानी कि नीचे की ओर रहता है, और फिर O जो रहता है वो भी नॉर्मल रहता है। तो जो 2 हो गया वो क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, हाइपरलिंक इंसर्ट करने वाली सॉरी करने करने के लिए शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल किया जाएगा। हाइपरलिंक जब भी इंसर्ट करना होगा आपको अपने डॉक्यूमेंट में, या आप अपने एक्सेल के सीट में, या फिर पावर पॉइंट के स्लाइड में, तो आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल करना होगा कंट्रोल के साथ के का, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर आप के इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या होगा, हाइपरलिंक इंसर्ट किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि ड्रॉप कैप का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, ड्रॉप कैप का अर्थ होता है टेक्स्ट को पेपर स्टाइल में लिखना। अगर आप इसे प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो आपको एमएस वर्ड में, हम आपके सामने एमएस वर्ड का एक पेज ओपन कर रहे हैं, और उस पेज में आपको हम इस ड्रॉप कैप का ऑप्शन का यूज़ करके कैसे यूज़ होता है, कैसा लगता है विजुअली आप देख सकते हैं। क्योंकि जनरली ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन बहुत कम सुनने को मिलता है, बट अगर आप देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एमएस वर्ड का हम फाइल ओपन कर लिए, और इसमें हम अभी तक कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट इसमें हम कुछ लिखने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला है इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर बटन प्रेस करते हैं, तो ये 3 पैराग्राफ आ गया हमारे पास। अब इस पैराग्राफ में हम जैसे सबसे पहला पैराग्राफ में जो वर्ड है उस पर लगाना है, तो हमको उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में यहाँ पर देखेंगे कि ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन रहेगा, इस पर आपको ड्रॉप पेट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप अक्सर देखे होंगे पेपर में इस टाइप से लिखा हुआ रहता है, तो पेपर में जब भी इस तरह का लिखा हुआ दिखिएगा तो इसका मतलब आप समझिए कि ये ड्रॉप कैप ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है। अगर दूसरा पैराग्राफ में लगाना है तो दूसरा पैराग्राफ में क्लिक करके इस तरह से कर दीजिए। तो आप अक्सर ये पेपर में देखे होंगे, इसलिए आपको इस ऑप्शन को हम प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि कट कॉपी तथा पेस्ट की अगर आपको क्रम में एक सजाना है तो कैसे आप सजा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर होगा। ये इसलिए ए होगा क्योंकि जो कट कॉपी पेस्ट होता है वो कट का कंट्रोल प्लस एक्स होता है शॉर्टकट की, फिर कॉपी का कंट्रोल सी होता है, और पेस्ट का कंट्रोल भी होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में सजाते हैं। और आपको बता दें कि फादर्स ऑफ कट कॉपी पेस्ट जो थे, उनका डेथ हो गया है 16 फरवरी 2020 को। आज का डेट अभी नहीं कि एक महीने पीछे, अभी जो हम चल रहे हैं वो मार्च में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वीडियो को, यानी कि एक महीने पीछे, जस्ट एक महीने पीछे इनका डेथ हो गया है। और ये इसलिए इनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये जो कट कॉपी पेस्ट, ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। आप अगर मोबाइल चलाते हो, या लैपटॉप या कंप्यूटर, या फिर और भी बहुत सारे डिवाइस, वहाँ पर कट कॉपी पेस्ट का हमेशा जिक्र किया गया है। और कट कॉपी पेस्ट से हमारा काम बहुत ही क्या हुआ, इजी हुआ, कि कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट है उसको कॉपी करके हम अपने में लाना, वीडियो फोटो कोई भी टेक्स्ट को, या फिर कुछ भी चीज़ों को आप कट कॉपी पेस्ट अक्सर आप मोबाइल में या फिर लैपटॉप में करते हैं। तो आप उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि लैरी टेस्लर ने ये कट कॉपी पेस्ट का कमांड बनाया था हमारे कंप्यूटर में, जो कि हम लोग के लिए बहुत अभी काम आ रहा है। और उनका जन्म जो है 24 अप्रैल 1945 को हुआ था, और डेट जो आपको स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि 16 फरवरी 2020 को, यानी कि वो 74 साल के एज में वो चले गए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर अगला है कि जब कोई यूज़र डैश डैश पर माउस से ले जाता है तो वह हैंड के आकार में हो जाता है। हैंड के आकार में तभी होता है जब वो हाइपर लिंक के फॉर्मेट में चला जाता है। इसका इस्तेमाल दो जगह पे किया जाता है, जब आपका कोई भी पेज को, कोई भी टेक्स्ट को हाइपर लिंक से अटैच कर दिया गया हो, या फिर आप इंटरनेट चलाते हैं तो उस समय कोई भी वेबसाइट पे कर्सर को ले जाते हैं तो हाथ जो माउस का कर्सर जो है वो हाथ का सिंबल में बदल जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक का ऑप्शन बोला जाता है। उसे एक तरह से लिंक का लिंक सिंबल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
फुट नोट और इंड नोट का यूज डैश डैश के लिए किया जाता है। फुट नोट और इंड नोट का यूज जो होता है एक जगह से दूसरे जगह रेफरेंस को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेफरेंस भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप डैश डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर होगा, यानी कि होम टैब पर हम क्लिक करके इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। इसे भी आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एमएस वर्ड पेज यहाँ पर ओपन है और हमें कहाँ पे जाना है, तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो हम पहला पैराग्राफ पे क्लिक कर लिए और होम टैब में यहाँ पे देखिएगा कि पैराग्राफ ग्रुप है और हमें यहाँ पर से ऊपर में देखेंगे तो इंक्रीज इंडेंट और इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो डिक्रीज इंडेंट कर रहा था। अगर इंक्रीज पर क्लिक करेंगे तो ये राइट की ओर बढ़ेगा और डिक्रीज पर क्लिक करेंगे तो वो फिर से लेफ्ट की ओर चला जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक फाइल जिसमें पूर्ण निर्धारित सेटिंग का यूज जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है वो कहलाती है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है एक बना बनाया हुआ फॉर्मेट, उसमें हम लोग को क्या होता है सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है उसको एडिट करके चेंज करके उस पर रखना होता है, बस यही सिर्फ काम होता है। इसलिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, टेम्पलेट होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट पॉइंट को डॉक्यूमेंट को स्टार्टिंग में जाने के लिए कौन सी की प्रेस किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस होम बटन जो होता है वो प्रेस किया जाता है। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है, आप सपोज कीजिए एक से लेकर आप 100 पेज बनाए हुए और आप 80 नंबर पेज पर हैं, आपको अचानक एक नंबर पेज पे आना है तो कंट्रोल के साथ आपको होम बटन प्रेस करना होगा। उससे क्या होगा कि अगर आप 80 नंबर में हैं तो डायरेक्ट कितने पे आ जाएंगे, एक पे आ जाएंगे। अगर कंट्रोल के साथ इंड बटन आप प्रेस करते हैं तो सबसे लास्ट में चले जाएंगे। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, लास्ट पॉइंट से फर्स्ट में आने के लिए, स्टार्टिंग में आने के लिए आपको कंट्रोल प्लस होम प्रेस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन से शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है, F7 का इस्तेमाल होता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए। आप कोई भी तरह के ग्रामेटिकल एरर है, आप अपने नाम में आप अपने कुछ ऐसा वर्ड लिखे उसमें गलती हुआ है या फिर उसमें रेड लाइन शो कर रहा है, तो आप F7 भी प्रेस करके उसका चेंजिंग कर सकते हैं, यानी कि उसे आप सजेशन दे देगा आपको, उसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में द वाटर मार्क ऑप्शन किस टैब में होता है, तो वाटर मार्क जो ऑप्शन होता है वो पेज लेआउट में होता है। वाटर मार्क दो प्रकार का होता है, आपको ये बता देते हैं कि वाटर मार्क दो प्रकार का होता है, एक टेक्स्ट वाटर मार्क और दूसरा पिक्चर वाटर मार्क। टेक्स्ट वाटर मार्क में आप कुछ टाइप करके टेक्स्ट के रूप में टाइप करके आप उसमें लगा सकते हैं, जबकि पिक्चर वाटर मार्क में आप कोई फोटो या फिर कोई लोगो बनाए हैं, आप अपने कोचिंग का, अपने संस्था का या आप जिस नाम से बिजनेस चला रहे हैं उसका लोगो बनाए हुए हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। आप अक्सर अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो देखते होंगे सेट वगैरह में या फिर कोई भी चीज़ का पढ़ाई करते हैं तो जो सेट प्रैक्टिस वगैरह होता है या फिर बुक वगैरह में जो देखते हैं वाटर मार्क लगा हुआ रहता है, जो पिक्चर या फिर टेक्स्ट में डायगोनली लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर मार्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी पैराग्राफ की लाइन के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का यूज इस्तेमाल किया जाता है, तो किसी भी लाइन या किसी भी पैराग्राफ का लाइन को स्पेस को बढ़ाना है तो उसके लिए हमको लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करना होगा। इसे भी आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये पैराग्राफ है और हमें इसके बीच में जो लाइनिंग स्पेसिंग है इसे कम बेसी करना है, जैसे आप ये लाइन चल रहा है और ये लाइन है उसके बीच में जो स्पेस है इसको कम बेसी करना है, तो पहले तीनों लाइन को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद फिर यहाँ लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन होता है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कर्सर ले जाएगा तो लिखेगा लाइन स्पेसिंग, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे इंक्रीज की ओर लाते हैं तो वो देखेंगे कि लाइन जो लाइन स्पेस है वो देख रहे हैं कि आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे कम करेंगे तो वो घटेगा। तो इस तरह से हम लोग बढ़ा और घटा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या काम होता है, तो स्प्लिट ऑप्शन का काम होता है एक ही विंडो को दो भाग में बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर एक पेज है उसको दो भाग में बांटना है तो हमको स्प्लिट ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि वो जो मेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो वो आपका व्यू मेन्यू में होता है, सबसे लास्ट में होता है, और एक ही पेज को दो भाग में बांटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, न्यू डॉक्यूमेंट तैयार करने खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, जब भी आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना हो या फिर आप कहिए कि ओपन करना हो तो कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी आपको शॉर्टकट की बताएं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंट्रोल ए से लेकर जेड तक का शॉर्टकट की आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 16,
एमएस वर्ड में मिनिमम तथा मैक्सिमम पेज जूम साइज कितनी हो सकती है। आपको बता दें कि आप 10% से लेकर 500% तक आप नंबर तक उसे जूम कर सकते हैं, यानी कि जब आप एमएस वर्ड का फाइल ओपन करते हैं तो अगर उसको जूम करने की बात है तो उसे 10% से लेकर हम लोग 500% तक जूम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एमएस वर्ड का फाइल ओपन है और हम इसे जूम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर से स्लाइड में यहाँ पर से जूम का एक ऑप्शन रहेगा, इसको मिनिमम आप यहाँ पर से देख रहे हैं कि 10% तक जूम हो गया, और अगर हम इसे मैक्सिमम करें तो 500% तक यहाँ पर दिखाएगा, तो इस ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर से व्यू से भी होता है, जैसे अगर जूम पे क्लिक करेंगे तो जूम पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे मिनिमम जो है वो 10% तक होता है, तो आप इसे यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करके रखेंगे तो आप यहाँ पर से देखिएगा कि वो 10% तक जाएगा और इससे ज़्यादा वो नहीं गया, और इसे अगर हम ज़्यादा ले जाएँ तो इसे मैक्सिमम ये 500% तक जाएगा, उससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता है। अगर हम 500% से ज़्यादा अगर जाता तो उसमें भी आपको हम बता देंगे कि किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा, लेकिन ये एमएस वर्ड है तो इसमें मात्र 500% तक ही जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से 500% पे जाके ये रुक गया। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए डैश डैश विभिन्न प्रकार के ऑप्शन को प्रोवाइड करते हैं, तो आपको बता दें कि जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है वो एमएस वर्ड के थ्रू बनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा एमएस वर्ड होगा। यहाँ पर से साफ बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए आप कौन से ऑप्शन का विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शन है दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हम आपको ये बोले कि आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप एमएस वर्ड का सेलेक्ट करेंगे या पावर पॉइंट का करेंगे, अब इसलिए कि आप पावर पॉइंट का करेंगे क्योंकि जो प्रेजेंटेशन होता है वो पावर पॉइंट से बनाया जाता है, एमएस वर्ड से तो कोई डॉक्यूमेंट कोई लेटर या फिर कोई एप्लीकेशन तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एमएस वर्ड 2016 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। जी हाँ, आप एक वर्ड का फाइल का मैक्सिमम कितने साइज तक आप रख सकते हैं। आप फिल्म अक्सर आप 1.5 GB का एक फिल्म भरा के लाते होंगे, 2 GB की फिल्म भरा के लाते होंगे, 5 GB का भी लाते होंगे, पता नहीं आप और भी बड़ा जितने भी बड़ा वीडियो रहेगा जितने अच्छे क्वालिटी का रहेगा उतना ज़्यादा उसका साइज क्या होगा बढ़ेगा, उसका रेजुलेशन जितना हाई रहेगा उतना ज़्यादा उसका साइज बढ़ेगा। उसी तरह से एमएस वर्ड का अगर फाइल अगर बनाइएगा तो मैक्सिमम आप 16 GB तक बना सकते, उससे ज़्यादा उसका साइज आप नहीं कर सकते एक एक फाइल का। क्वेश्चन नंबर 19, एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे जाता है कितना। जैसे अगर हम टैब बटन प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है आगे बढ़ता है, जैसा कि आपको हम प्रैक्टिकली भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लिया एमएस वर्ड का फाइल और हम एक टैब बटन प्रेस करते हैं तो वो देखिएगा कि इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज कितना करता है, तो इंक्रीज करने का जो उसका साइज रहता है 0.5 रहता है, यानी कि हाफ इंच वो क्या करता है कि आगे की ओर राइट की ओर बढ़ता है। अगर उसी को शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो फिर से वो रिटर्न आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एमएस वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है। तो इसमें एमएस वर्ड 2016 में जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंट लेआउट व्यू कहते हैं, ठीक है, और नॉर्मल व्यू जो होता है एमएस एक्सेल में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, एमएस वर्ड में ट्रांसलेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है। तो ये जो ट्रांसलेशन ऑप्शन होता है रिव्यू में होता है, इसका दूसरा नाम होता है ट्रांसलेशन के एक और नाम भी हम वहाँ पे कह सकते हैं। प्रूफिंग टूल्स किस ऑप्शन में रहता है, तो वो भी कहाँ रहता है रिव्यू में ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस ऑप्शन में उपलब्ध होता है। जी जो पैराग्राफ होता है वो होम टैब में रहता है, लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो किस टैब में रहता है, तो पेज लेआउट में रहता है। ये भी आपको हम प्रैक्टिकली दिखाना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एमएस वर्ड का फाइल ओपन है और हम यहाँ पर होम पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर होम पे क्लिक करने के बाद देखिएगा कि यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो एक तो पैराग्राफ ऑप्शन यहाँ पर है, पैराग्राफ होम में है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पेज लेआउट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर से पैराग्राफ का ऑप्शन मिलेगा। पैराग्राफ ऑप्शन का पेज लेआउट में इस्तेमाल होता है इंडेंट को आगे पीछे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा पेज लेआउट होगा, यानी कि होम के साथ साथ जो होता है पेज लेआउट वाले ऑप्शन में भी इसका ऑप्शन जो पैराग्राफ वाला ऑप्शन है वो भी उसमें पेज लेआउट में भी उपलब्ध रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, एमएस वर्ड 2016 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की सॉरी किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, किस चीज़ का ऑप्शन कौन सा मेन्यू का या फिर कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो होगा लाइन स्पेसिंग। जी हाँ, प्रत्येक लाइन में अगर हमको नंबरिंग देना है तो उसके लिए हमको लाइन स्पेसिंग सॉरी लाइन नंबर का इस्तेमाल करके हमको प्रत्येक लाइन में नंबर हम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल बड़ा प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किसका यूज़ किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये जो चेंज केस होता है उसका इस्तेमाल करके हम लोग पहला वर्ड बड़ा या फिर पहला वर्ड छोटा ये सारे चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे करना है तो चलिए देखते हैं।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एमएस वर्ड का फाइल ओपन है और हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम पे चले जाएंगे, यहाँ पर से चेंज केस का ऑप्शन रहता है, जैसे अभी आपको बताए थे कि इसमें चेंज केस का ऑप्शन से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर से चेंज केस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे अगर हम कैपिटलाइज इच वर्ड पर क्लिक कर दें तो प्रत्येक वर्ड का सिर्फ पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा, और अगर अपर केस पे क्लिक कर देंगे तो पहला सारे इसमें जितने भी टेक्स्ट रहेगा वो सारा कैपिटल हो जाएगा। तो ये चेंज केस का इस्तेमाल करके हम लोग पहला कैरेक्टर को कैपिटल या फिर स्मॉल या फिर प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एमएस वर्ड 2016 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इन्फो ऑप्शन का प्रयोग जो होता है पासवर्ड लगाने के लिए किया जाता है। आप किसी भी फाइल में, एमएस वर्ड के फाइल में अगर आपको पासवर्ड लगाना हो तो आपको इन्फो ऑप्शन का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। इन्फो इन्फो जो ऑप्शन होता है वहाँ पर से फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से देखिएगा कि बहुत सारे ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे इन्फो है, तो इन्फो ऑप्शन से हम यहाँ पर से देखिए प्रोटेक्ट सीट लिखा, सॉरी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, हमको इस पर क्लिक करके इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे क्लिक करना होगा और जो भी पासवर्ड आपको देना हो पासवर्ड टाइप कर दीजिए और पासवर्ड टाइप करने के बाद ओके प्रेस कर दीजिए तो आप इसमें पासवर्ड कंप्यूटर में लगा सकते हैं, सॉरी एमएस वर्ड के फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं। अब जो जितने भी सारे चीज़ें पढ़ाया गया है वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।